साथ साथ जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे कंटेंट में मजीद बेहतरी आती जाएगी और एक इनफरादियत नजर आएगी और उम्मीद करता हूँ कि उसको आप पसंद भी करेंगे। मेरा YouTube चैनल बनाने का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान की टूरिज्म को दुनिया में प्रमोट करना है और इसके साथ साथ कई जगहों को एक्सप्लोर करना और आप तक उन जगहों को पहुँचाना अपनी ब्लॉग्स के जरिए, ताकि आप भी उससे लुत्फानंदोज हो सकें, आप भी इंजॉय कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक साल के दौरान कोविड-19 की वजह से ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही मुश्किलात का शिकार हुई है और अब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीनेशंस बढ़ रही हैं, बहुत सारे मुल्कों ने अपने ट्रैवल रिज्यूम करने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी मालूमात और ऐसी टिप्स हैं जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ ममालिक ने अपने मुल्क में लोगों को आने की इजाज़त दी है इस शर्त के साथ कि वो वैक्सीनेटेड हों कोविड-19 से और उनकी दोनों डोजेज जो हैं वो लग चुकी हों। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुल्कों ने हॉलीडे पर्पज़ से ट्रैवल करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस को हटाना शुरू कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आइए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले जब आप अपना कोई टूर या ट्रैवल प्लान कर रहे हैं हॉलीडेज के लिए, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप डेस्टिनेशन कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़रूर चेक कर लें कि आया कोई वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ममालिक ने हॉलीडेज ट्रैवल को वैक्सीनेशन के साथ मशरूत कर दिया है, तो आपको ये देखना होगा कि आया आपने कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं और इसके साथ साथ आपको PCR टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो कि बाई लॉ रिक्वायर्ड होगा। और साथ साथ आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि आया आप जिस मुल्क में या जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर क्वारंटाइन करना ज़रूरी तो नहीं। अगर आपको क्वारंटाइन करना पड़ा फिर आपकी हॉलीडेज मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। नंबर टू, कहीं पर भी ट्रैवल करने से पहले आप अपने पासपोर्ट को ज़रूर चेक कर लें कि आया उसकी एक्सपायरी और उसकी वैलिडेशन 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 6 मंथ से कम होगी तो आपको डेस्टिनेशन कंट्री एंटर होने से मना कर सकती है और आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी ज़रूर चेक कर अपने ट्रैवल को प्लान करें। जब भी आप अपनी हॉलीडेज प्लान करें तो आप कोशिश करें कि आप अपनी हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि इसके बेशुमार फायदे हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको किसी भी मुल्क या किसी भी जगह पर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है या कोई चोरी हो जाती है, तो उस सूरत में आपकी इंश्योरेंस आपके नुकसान को पूरा कर सकती है। तो इंश्योरेंस ज़रूर लेकर जाएं, तो अपने साथ ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेकर जाना मत भूलें। नेक्स्ट है मास्क। मास्क हमारी जिंदगी का अब एक लाजमी हिस्सा बन गए। आपने कहीं भी जाना हो, ट्रैवल करना हो या मार्केट में जाना हो या लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करना हो, मास्क के बगैर आप सफर नहीं कर सकते। तो मास्क मुख्तलिफ तरह के अवेलेबल हैं जो कि आप अपनी आसानी के लिए पहन सकते हैं, जो आपको इजी लगे। बेसिक मास्क हैं जो मेडिकल मास्क हैं, उनको हम आसानी से ऐसे पहन लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोगों को कान पे थोड़ी देर के बाद कान पे दर्द महसूस होती है और कई दफ़ा ये नाक से नीचे भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब आप ट्रैवल पर जा रहे हैं और आपने लंबी जर्नीज तय करनी है, तो ऐसा मास्क लीजिए जो आपको लिए पहनना भी इजी हो और जो आपको तकलीफ भी ना दे। मसलन मैंने ये एक मास्क लिया है जिसमें दो तरह के स्ट्रैप्स अवेलेबल हैं, इसमें कान पे पहनने वाला भी अवेलेबल है और ये सर के पीछे भी चला जाता है। इसको हम ऐसे करके पहन लेते हैं और ये दोनों तरह से आ जाता है, ये कान के पीछे भी और सर के पीछे भी। और तीसरी चीज़ इसमें अच्छी ये है कि इसमें नाक के ऊपर ये शेप बनी हुई है, इसमें मास्क आपका खींचे भी तो नीचे नहीं जाता, ये यहाँ पर सेट हो जाता है। अगर आप मास्क खरीदें तो इस तरह का मास्क लें जिसमें आपके लिए आसानी हो और दूसरा मास्क फिक्स रहे अपनी जगह, वो हिले ना अपनी जगह से। अगर आप हवाई सफ़र कर रहे हैं तो कुछ लोगों को जहाज़ में सफ़र करते वक्त कानों में कुछ दर्द शुरू हो जाती है, उसके लिए अपने साथ एयरबड्स लेकर जाना मत भूलें। एयरबड्स जो हैं वो मुख्तलिफ क्वालिटीज और मुख्तलिफ तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें एयरबड्स लेते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ऐसी क्वालिटी का एयरबड लें जो कि ईजीली, जिसको आप
प्रेस कर सकें और वो ज़्यादा प्रेस हो जाए फोमर। और ये ईयरबड्स जो हैं, जब आप इनको एक दफ़ा कान में डाल लेंगे, ऐसे पुश कर लेंगे, तो आफ्टर 15 टू 20 सेकेंड ये आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे और आपके कान को मुकम्मल तौर पर आवाज से महफूज रखेंगे और आपका सफर आरामदेह साबित होगा। जो कुछ और ईयरबड्स अवेलेबल हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उनको आप पुश करते रहते हैं लेकिन वो उतना काम नहीं करते। तो ईयरबड्स लेते वक्त ऐसी क्वालिटी के लें जो कि आपके काम आ सके। तो ईयरबड्स लेते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। नेक्स्ट, जब आप बाई एयर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा जर्नीज लंबी होती हैं और आपको थकावट का भी सामना करना पड़ता है, तो लंबी फ्लाइट्स में आपके पास स्लीपिंग मास्क होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अपनी आंखों पर पहन सकते हैं और आप लंबे सफ़र के दौरान आसानी से अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं। स्लीप मास्क या आई मास्क मुख्तलिफ तरह के मार्केट में अवेलेबल है। इसमें भी जो मास्क मैं रिकमेंड करता हूँ वो ऐसा मास्क है जिसमें थोड़ी सी आपकी आई के ऊपर शेप बनी होती है और ये शेप आपको सोने के दौरान आपकी आईज को डिस्टर्ब नहीं करती। तो जब हम इसको पहनते हैं ऐसे करके, तो हम बड़ी आसानी के साथ अपनी आईज को, आई बॉल्स को रोल कर सकते हैं। इसलिए आई मास्क या स्लीप मास्क लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर वो शेप्ड होगा तो उससे आपको बहुत इजी और अच्छी नींद आएगी। आजकल आपको पता है कि हम मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत ख़ास हिस्सा बन चुका है। उस पर हमारे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं या हम अपनी सोशल मीडिया को उसके ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आजकल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि शायद ही चंद मिनट या चंद लम्हे गुजरते हों जिसके थोड़ी देर बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन को ना चेक करते हों, उसका इस्तेमाल ना करते हों। तो ट्रैवलिंग करते वक्त जब आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो लाजमी बात है कि उसकी बैटरी भी डाउन होगी। अपने साथ बैटरी बैंक ज़रूर है ताकि किसी भी वक्त अगर आपका फ़ोन या आपके गैजेट्स की बैटरी लो हो जाती है तो आप उनको रिचार्ज कर सकें। बैटरी बैंक्स भी मुख्तलिफ तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें आप कोशिश करें कि मैक्सिमम MAH कैपेसिटी का बैटरी बैंक जो है वो आप यूज़ करें। जैसे मेरे पास जो है वो इस वक्त 26,800 कैपेसिटी का है, तो आप इसमें मुख्तलिफ तरह के अवेलेबल हैं जो मैक्सिमम चार्ज आपको दे सके, जो मैक्सिमम आपके गैजेट्स को बार बार चार्ज कर सके, वो बैटरी बैंक अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जब भी आप बाई एयर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप जिस भी एयरलाइन से सफर करें उसमें ये चेक कर लें कि आपका जो हैंड लगेज है, हैंड बैग है, उसकी क्या डायमेंशंस आपको दी गई हैं और अपने हैंड बैग की वही डायमेंशंस रखें जो एयरलाइन की तरफ से आपको अलाउ की गई है। अगर आप किसी बड़े साइज का हैंड बैग लेकर जाएंगे तो वो आपके लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। और लास्ट एडवाइस आपको ये है, ट्रैवल करते वक्त अपने सामान को कम रखें। जितना कम सामान रखेंगे उतना इजी आप मूव कर सकेंगे, उतना अच्छे से आप एंजॉय कर सकेंगे। तो ये था आज का हमारा पहला व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। See you then.